दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आए हूं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन है तो इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। कल के मुकाबले की पूरी समरी, कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड्स बने, चेन्नई की टीम को बड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती T20 स्क्वाड से बाहर, धोनी खेलेंगे साल 2022 का आईपीएल, मुंबई इंडियंस पहुंचे प्लेऑफ में, अपडेटेड पॉइंट टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की पूरी लिस्ट और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको आईपीएल से जुड़े हुए बताने वाले हैं। आईपीएल चल रहा है और अपनी इस वीडियो के जरिए आपको आईपीएल की दुनिया की हर एक जानकारी बताते हैं और हर एक हलचल को कवर करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 292वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों कल आईपीएल का एक बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रोमांचक मुकाबला था, जहां पर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर हुई और कल प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए बड़ा मैच था। लेकिन राजस्थान रॉयल्स कहीं से भी मुंबई इंडियंस की टक्कर के दिख नहीं रहे थे और प्लेऑफ में पहुंचने के तो बिल्कुल भी दावेदार नहीं दिखे और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सिर्फ 90 रन बनाए 9 विकेट खोकर, जिसे आराम से मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन की धुआंधार पारी की बदौलत आराम से 8 ओवर में पा लिया। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने नैथन कुल्टर-नाइल, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 4 विकेट लिए। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों कल मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड्स बने, जिसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 400 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में। कल ईशान किशन ने अपने आईपीएल के करियर का 7वां हाफ सेंचुरी लगाया और 10वें ऐसे बल्लेबाज बन गए मुंबई इंडियंस के जिन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक के आईपीएल का सबसे कम स्कोर बनाया है, 90 रन पर 9 विकेट। इसके पहले शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2020 में 112 रन बनाए थे। इसके साथ ही 90 रन पूरे आईपीएल में दूसरा सबसे कम टोटल है पूरे 20 ओवर खेलने के बाद। ईशान किशन ने अभी तक यूएई में 34 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। कल मुंबई ने अपने आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल किया और बाकी के ढेर सारे रिकॉर्ड्स आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर टूर्नामेंट के बीच में ही उनके स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन चोटिल हो गए हैं और न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स को बल्कि इंग्लैंड की टीम को भी झटका लगा है, क्योंकि सैम करन की पीठ में चोट लग गया है और इस दर्द की वजह से वह आईपीएल तो पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही वह T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। चेन्नई और राजस्थान के बीच चल रहे मुकाबले में उन्हें चोट लग गया था शनिवार को और वह कुछ दिनों में वापस इंग्लैंड चले जाएंगे और फिर आराम करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो घोषित किया गया था इंग्लैंड का, उसमें सैम करन की जगह टॉम करन शामिल हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कल का जो मुकाबला हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को बाहर कर दिया और राजस्थान प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स 3 ऐसी टीम है जो प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं और चौथे नंबर के स्पॉट के लिए मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर होने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ एक मुकाबला जीतना है और वह क्वालिफाई हो जाएंगे, और यदि वह हार जाते हैं और मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। और यदि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों अपना आखिरी मुकाबला हार जाते हैं तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में अपने बेहतर रन रेट की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत तरह का और भी जो सिचुएशन बनता है तो वह आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम नोइट क्रिकेट है उसे जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों आज आपको आईपीएल का 52वां मुकाबला देखने को मिलेगा जो शाम 7:30 बजे होगा और यह रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। सनराइजर्स हैदराबाद तो पहले से ही बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ से और वह युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं अपने बाकी के मुकाबलों में, और आज की प्लेइंग 11 में संदीप शर्मा की वापसी होते हुए दिख सकती है और बाकी डेविड वार्नर भले ही कल पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन उनके चांस कम है प्लेइंग 11 में आने के, क्योंकि वैसे भी सनराइजर्स हैदराबाद अपने बाकी के बचे 2 मुकाबले जीत भी जाते हैं तो भी वह लास्ट में ही रहेंगे। मनीष पांडे की वापसी भी मुश्किल है। वहीं बेंगलोर की टीम क्वालिफाई कर चुके हैं और यदि वह आज का मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर टॉप 2 में अपनी जगह फिक्स कर सकते हैं और उनके प्लेइंग 11 में भी आपको ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि चेन्नई के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल फिलहाल में इस बात की घोषणा की है कि वह अपना आखिरी मैच चेन्नई में चेन्नई के फैंस के सामने खेलना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि धोनी ने इशारों में कहा है कि वह आईपीएल 2022 भी खेलना चाह रहे हैं और आईपीएल 2022 उनका अंतिम आईपीएल सीजन रहेगा और इस सीजन में खेलकर अगले सीजन भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो इस अच्छे न्यूज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है ईशान किशन की तरफ से। कल भले ही मुंबई इंडियंस मुकाबला जीत गए हो लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट रहे ईशान किशन, जिन्होंने काफी शानदार पारी खेली और खराब फॉर्म से खुद को बाहर निकाला। ऐसे में उन्होंने
कहा है कि वह जब खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तब विराट कोहली ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। बहुत लंबे लंबे समय तक विराट कोहली से वह बात करते रहे। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया और सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। इन दोनों की वजह से ईशान किशन डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, तो यह एक अच्छी बात है क्योंकि ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है BCCI की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप भारत में तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद BCCI अच्छे खासे पैसे कमाने वाले T20 वर्ल्ड कप से। खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद BCCI को $12 मिलियन का प्रॉफिट होगा, जिसका मतलब साफ है कि 90 करोड़ रुपए। इसके साथ ही इसी महीने आपको IPL की दो नई टीम का ऑक्शन भी देखने को मिलेगा, उसमें BCCI 6 से 7 हजार करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आने वाले 2 महीने BCCI के लिए फाइनेंशियल नजरिए से काफी बढ़िया रहने वाला है। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर की तरफ से, जो बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं लेकिन चोटिल हो गए थे और बाहर हो गए थे। खबर आ रही है कि वह अपना क्रिकेट में वापसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से करने वाले हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 4 नवंबर से शुरू होगा और इस टूर्नामेंट का भी काफी बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के जरिए कई सारे IPL के खिलाड़ी भी चुने जाते हैं ऑक्शन के वक्त। इसके साथ ही टी नटराजन भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपना फिटनेस ठीक करने का डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका लगा है फिर से T20 वर्ल्ड कप के पहले, जहां पर आपको बताना चाहेंगे वरुण चक्रवर्ती पूरी तरह से फिट नहीं है और ऊपर से उनके जो घुटने हैं उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद BCCI चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती T20 वर्ल्ड कप खेलें किसी भी तरह फिट होकर। उन्होंने खुद कहा कि यदि T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया जा सकता था। इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ ने भी कहा है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को वर्ल्ड कप से पहले फिट करने का और उनके लिए अलग से रूटीन चल रहा है, अलग से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। अब देखने वाली बात होगी कि T20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं कि नहीं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में वह खेलेंगे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज की IPL के बड़े अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, तुम्हारे साथ बने रहें। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।